हेलो दोस्तों, जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हो, डबल डोर का फ्रिज है और आज हमने इसमें कंडेंसर लगाया हुआ है आपके सामने, हैंग कर दिया है। और जो पुराना कंडेंसर था अंडरग्राउंड, उसको हमने हटा दिया। ये उसके पाइप है, ये सब हटा दिया है। इसमें दिक्कत आ रही थी तो लीकेज वगैरह हो रही थी गैस, तो हमने इसको हटा दिया है दोस्तों। तो अब दोस्तों हमने इसमें जो नया कंडेंसर लगाया है, वो हमने इसका डिस्चार्ज का कनेक्शन दे दिया है इसमें सही से। इसका पाइप वगैरह पूरा आ गया था वहाँ पर, तो इसका हमने वेल्डिंग कर दी है। ये सक्शन है इसका और इस कैप ले रही है, और यहाँ पर हम फिल्टर वगैरह लगाएंगे, साफ़ भी कर दिया हमने। तो दोस्तों अब लगा लेते हैं इसमें फिल्टर, और फिल्टर लगाने का यही है आसान किया। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, फिल्टर लगाने के बाद में हमने इसे चलाया है और थोड़ा फ्लैशिंग इसकी करेंगे। ये थोड़ा गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं दोस्तों। इसको अब फ्लैश कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। टाँका वगैरह इसका बंद ना हो जाए, तो हमें फ्लैशिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूर करनी है। उसके बाद में हमने इसमें कैपलेरी का, फिल्टर में कैपलेरी का टांका लगाना है दोस्तों। तो आसान है दोस्तों, आपने ठीक है डॉक्टर ज़्यादा ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, हमने इसका दोनों ही टांके लगा लिए हैं, डिस्चार्ज से फिल्टर और फिल्टर के बाद में कैपलरी, कैपलरी के बाद में हमने इसे चला दिया दोस्तों। ये सक्शन का पाइप है इसका, जो कि अंदर से आ रहा है, कूलिंग कॉइल का इसका जो आ रहा है पाइप, जो हमारी कॉइल अंदर वाली हो रही है दोस्तों। सब कुछ टांके लगाने के बाद हमने इसमें फ्लैशिंग करी है। फ्लैशिंग करने के बाद में हमने इसका टांका लगा के दोस्तों, अब इसमें हमने प्रेशर डाला है दोस्तों। प्रेशर डालने के बाद में हम इसे चेक करेंगे दोस्तों, और बहुत ही पतली झाँक से चेक करना है। और प्रेशर जो कि हमने डाला है 140 प्रेशर डाला है दोस्तों, ज़्यादा नहीं डालना, 100 से 150 के बीच में डालना है दोस्तों। और सारी इसके जितने भी टाँके वगैरह हैं दोस्तों, वो काफ़ी अच्छे तरीके से चेक कर लेने हैं, कहीं से कोई डाउट ना हो। सारे अच्छे तरीके से टाँके चेक करने के बाद में दोस्तों इसकी पिन वाल अभी प्रेशर में ही चेक कर लेनी है, तो ऐसा ना हो कि बाद में दिक्कत आए दोस्तों। पिन वाल हमने खोल के अभी ही चेक कर लेनी है दोस्तों, कि बाद में गैस वगैरह वेस्ट ना हुए हमारी। तो पिन अभी चेक कर लेनी दोस्तों सही तरीके से। तो ये दोस्तों R134 है गैस जो इसमें डलेगी, तो हमने इसमें वैक्यूम करके गैस डालनी रहेगी दोस्तों। बाकी सारा ही काम हो गया, प्रेशर वगैरह ठीक है, लीक वगैरह कहीं से कोई टांका नहीं है। बड़े तसल्ली से चेक करें दोस्तों, क्योंकि माइनर से एक छोटी सी हमारी गलती के कारण अगर कहीं से लीक रह भी गई तो आगे चल के हमें परेशान कर सकती है दोस्तों। ये देखो हमने वैक्यूम लगाना है अब इसको। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।
वैक्यूम दोस्तों हमने लगा दिया है, और वैक्यूम कम से कम हमने में से 15 मिनट वैक्यूम लगाया है और वैक्यूम सही से हो गया है दोस्तों। और दोस्तों अब हम इसमें गैस डालेंगे। दोस्तों गैस डालने का सिंपल तरीका है, पहले हमें R134 का सिलेंडर लेके इसका करीबन दोस्तों, और जैसे कि दोस्तों हम गैस में डाल रहे हैं, थोड़ा सा फ्लैश करके लाइन को गैस डालेंगे, और जो हमारी जो लाइन है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, इसके जो पिन वाले उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है दोस्तों। तो हमें इस तरीके से गैस डालनी है 40 करीबन इसका स्टैंडिंग करके, उसके बाद में फ्रिज को चला देना है। चलाने के बाद में दोस्तों आप देख रहे हो इसका जो बैक प्रेशर है वो धीरे धीरे डाउन जा रहा है। फ्रिज हमने चला दिया है और ये दोस्तों धीरे धीरे डाउन जा रहा है इसका बैक प्रेशर। तो दोस्तों ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, जो हमें धीरे धीरे गैस डालनी है, जैसा कि हमें लगे गैस कम है तो गैस बढ़ा देनी है। और इसका जो बैक प्रेशर है दोस्तों 5 से 8 के बीच में रखना है, ज़्यादा नहीं रखना दोस्तों। और हम आराम से इसे कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटे के अंदर अंदर डालें, जल्दबाजी कोई ना दिखाएं दोस्तों। और काफ़ी देर हो गई दोस्तों, करीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं, और अब हम देख रहे हैं दोस्तों कूलिंग दोस्तों सही आ रही है इसमें, कूलिंग बिल्कुल ठीक कर रहा है, फैन की भी हल्की आवाज़ आ रही है चलने की। और दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8 से 10 मिनट के बीच में कूलिंग सही से आना स्टार्ट हो गई इसके अंदर। और दोस्तों आप भी कभी भी ऐसा हो आपके साथ में तो आप ऐसे न्यू कंडेंसर इसमें फिट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।